हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। मैं इसे प्रेस करूँगी, ये वापस अपनी पोजीशन ले लेगा और ये जितना ज़्यादा स्पॉन्जी है उतना ही ज़्यादा ये जालीदार भी बना है। मैं आपको इसकी वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे ये बिल्कुल मार्केट जैसा ढोकला बनकर निकलेगा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर मैंने एक स्ट्रेनर रखा है। स्ट्रेनर में मैं 2 कप बेसन डाल दूँगी और डालने के बाद इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गांठे वगैरह ना हो। ये प्रोसेस करना फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, मैं इस तरह करके इसे अच्छे से निकाले, जो बाकी बचेगा उसे हम हटा देंगे। अब इसके अंदर मैं 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और चुटकी भर हम इसके अंदर हींग डालेंगे और चुटकी भर ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम हल्दी बहुत ही संभल के डालना, अदरवाइज जो हमारा ढोकला उसका कलर रेड हो जाएगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून में सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ, जिसे लोग नींबू के फूल या फिर नींबूसत भी कहते हैं। आप इसकी जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हो अगर आपके सिट्रिक एसिड ना हो तो। अब मैं यहाँ 3 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी डाली हूँ और डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी मैं पहले पूरा डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद फिर हम 1/2 कप पानी और डालेंगे और डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करना है। अब फ्रेंड्स, हमें इसी तरह 6 से 8 मिनट तक इसे फेंटते रहना है। हम जितना ज़्यादा इसे अच्छे से फेंटेंगे उतना ही हमारा ढोकला फ्लफी और जालीदार बनेगा। ये देखिए, इसे हमें इसी तरह फेंटना है। आप कोई भी एक विस्कर ले लें और विस्कर की सहायता से इसे फेंटें तो एकदम जालीदार और बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो अब हमारे 6 से 8 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं इसे एक बार अलग रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया। इस तरह का आप कोई भी टिन ले लें या कोई भी बर्तन भी ले सकते हो और उसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसे हम ग्रीस कर लेंगे। अब मैंने इसे ग्रीस कर लिया है तो इसे हम एक साइड रख देते हैं। ये देखिए, अब हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसे लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसे डालकर हम इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही फ्लफी हो जाएगा। और इसे देखिए बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या कुछ भी ना रहे या एक साइड सोडा ना रह जाए। और इसे फेंटते ही हमें इस स्टीम के अंदर डाल देना है और डालने के बाद हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने ऑलरेडी गैस पे एक पैन रखा है, उसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी हमारा गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैं इस तरह स्टैंड रखूँगी। आप इस तरह का कोई भी स्टैंड या कटोरी भी रख सकते हो। अब जो हमने टिन तैयार करके रखी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे। ढक कर फ्रेंड्स हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 20 मिनट के बाद अगर आप चेक करें, अगर यह ना पके तो आप 5 मिनट के लिए और रख सकते हो। मैं एक चाकू की मदद से चेक करूँगी। ये देखिए, हमारा क्लीन निकल रहा है, दैट मीन्स हमारा ढोकला बनकर रेडी है। तो अब इसे हम एक बार इसी तरह छोड़ देते हैं निकाल कर। और गैस में मैंने एक पैन चढ़ा है तड़के के लिए, तड़का तैयार कर लेते हैं। वहाँ 2 टीस्पून ऑयल डाला, ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने 1 टीस्पून राई डाल दिया। अब राई को हम तड़कने देंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच में से ऐसे काट लिया। और मैंने थोड़े से करी पत्ता लिए, जो कि ड्राई, आपके फ्रेश हो तो फ्रेश डालें। अब इसके अंदर मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद यहाँ मैं 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ पीसी हुई। आप इसकी जगह साबुत भी डाल सकते हो। डालकर इसे हम एक बॉयल आने देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये तड़का रेडी है, तो इसे हम एक साइड रख देते हैं और इस ढोकले को रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट बना है।
हमें फ्रेंड्स इसमें जो पानी डालेंगे वो भी लुकवार्म चाहिए और जो ढोकले का टेम्परेचर है वो भी लुकवार्म होना चाहिए। दोनों नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो दोनों हमारे लुकवार्म हो चुके हैं, तो अब इसे हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके अंदर हम तड़का डालेंगे और तड़का डालने के बाद ये फ्रेंड्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।